दाल भाजी कैसे बनाते हैं विदर्भ स्पेशल, तो चलिए देखते हैं। एक कटोरी तुअर दाल की है, आधा कटोरी चना दाल, थोड़ी सी हल्दी, पानी डाल देंगे और इसमें डालेंगे पालक। अच्छे से एक बड़ा बाउल पालक लिया है, इसमें डालेंगे धनिया। धनिया आप जरूर डालिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और हरी प्याज, टमाटर और गार्लिक लहसुन डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च, एक हरी मिर्च और शेंग दाना, मूंगफली के दाने डाले हैं। अभी हम इसे प्रेशर कुकर में 3 सीटियां होने तक पका लेते हैं। अभी हम इसमें रख देते हैं, 3 सीटियां होने के बाद निकाल देंगे। इसमें डालते हैं तेल, थोड़ा ही लेना है, 2 चम्मच। राई, जीरा, अभी इसमें डालते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इसे अच्छे से होने देते हैं। अभी इसमें डालते हैं हल्दी 1/4 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमने दाल में डाली हुई है। और मिर्ची पाउडर 2 चम्मच। धनिया पाउडर, मसालों को अच्छे से भून लेना है, बाद में डालते हैं टमाटर। इसी ऑर्डर में आप डालिए, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। अभी टमाटर को थोड़ा स्मूथ होने देते हैं। 1/4 टीस्पून मेथी पाउडर, नमक, नमक से हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा। अभी हमारा टमाटर अच्छे से हो गया है, हम डाल देते हैं दाल भाजी और इसे अच्छे से एक बॉईल आने तक पकाते हैं। अभी हम इसे इस गैस पे रख देते हैं। अभी हम इसे थोड़ा तड़का दे देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। कड़ी पत्ता, गैस में बंद कर रही हूँ। अभी हम इसमें
मिर्ची पाउडर डालेंगे। देखिए हमारी मिर्ची पाउडर जलने नहीं चाहिए। अब हम डालते हैं, वाह मस्त हो गई है। और थोड़ा सा काला मसाला, काला मसाला का वीडियो हमने डाला हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। हमारी भाजी रेडी है। बहुत ही बढ़िया दाल भाजी बनके तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।